ओके गुरु, सो लेट्स स्टार्ट योर थर्मोडायनेमिक स्नैप फॉर एचपीसीएल। यस सर। सो गुरु, कैन यू टेल मी व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? सर, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड इट्स एंड द इफेक्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑन द सिस्टम। व्हाट इज एनर्जी? So energy is the ability to do work. Energy, ability to do work. Is there any law you studied in thermodynamics related to this conservation of energy? Yes, sir. What is that? So it is the first law of thermodynamics, which states that energy is neither created nor destroyed. It is just transferred from one place, one form to another form. So we cannot create energy. No, sir. But like suppose, you know, like in automobile, we are generating some mechanical power. We are generating Yes, energy. sir. So how we can say that we cannot create energy? So we are converting the chemical energy or the internal energy of the fuel in the mechanical energy. We are not generating, we are just converting. Yes, sir, internal energy of the fuel. What is available energy, Guru? You heard about available energy? Yes, sir. What is that? So available energy is the maximum energy which we can get from a heat input at a particular temperature when our system comes into equilibrium with the atmosphere, or when our system comes at dead state. So what do you think that available energy, because this is also a form of energy, so what do you think that Yes, is also conserved in a process? No, sir. So there is a limit up to which we can extract useful work from it. The energy available. Energy is conserved. This is also energy. So how yes, you can sir. say that this is not conserved? Sir, actually, we came to know about it by the second law that whenever during a process energy. जो अवेलेबल एनर्जी है इट 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 गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एंट्रोपी जनरेशन व्हिच इज जो खर्च हो जाती है टू ओवरकम इररिवर्सिबिलिटीज लाइक फ्रिक्शन एंड द ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस तो उसकी वजह से एनर्जी मतलब जो अवेलेबल एनर्जी है उसमें कम कम हो जाती है लेकिन एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी सेम रहेगी बढ़ बस भी ये कि सकता है, यूज अवेलेबल एनर्जी बढ़ भी सकता है इन ए प्रोसेस, नहीं सर घट सकता है, कांस्टेंट हाँ रह सकता है, घटेगा कांस्टेंट रह सकता है। कांस्टेंट के लिए सर हमें वो रिवर्सिबल करना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस करना पड़ेगा, तो कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक ए प्रोसेस रिवर्सिबल? सर रिवर्सिबल बनाने के लिए दो चीजें होती हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी तो एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी को रिमूव करने के लिए हमें जो जो एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है जो तो उनका टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए और इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी के लिए तो विद इन द सिस्टम देयर शुड बी नो फ्रिक्शन और टेम्परेचर डिफरेंस विद इन द सिस्टम सिर्फ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर पूरा सिस्टम होना चाहिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर प्योर से तो ये एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन क्या होता है गुरु? यू हर्ड अबाउट एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन? यस सर क्या होता है? सर एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज द सर वही है जो अभी बताया था जैसे कि जो जो टोटल हमारे पास जो एनर्जी है उसमें से सिर्फ ओनली उसका कुछ पार्ट ही हम यूज कर सकते हैं जो यूजफुल वर्क होगा अपने लिए बाकी का जो जो अनअवेलेबल एनर्जी अपने लिए वो एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड है जिसको जो हम यूज नहीं कर सकते Are you sure ki that unavailable energy is the exergy destruction? Yes, sir. Then what is loss of available energy? So same चीज है loss of available energy and unavailable energy both are same thing. Yes, sir. So means you want to say ki loss of available energy, which is also known as irreversibility, which is also known as exergy destruction, that is equal to unavailable energy.
अरुषो, बिकॉज सर इफ यू विल से यस, इफ यू विल से यस, देन आई विल से कि देयर इज अ अनअवेलेबल एनर्जी इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू यस चेंज सर एक्चुअली. द डेड स्टेट अनअवेलेबल एनर्जी इज फिक्स्ड, बट इररिवर्सिबिलिटी चेंजेस, इररिवर्सिबिलिटी चेंजेस इन अ यस प्रोसेस यस ऑफ सर वर्क. आई गॉट इट. सर जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, जैसा आपने बताया कि वो उतना तो वेस्ट जाना ही जाना है, लेकिन जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाएगी. जैसे अगर हाइयर अवेलेबल एनर्जी, टेम्परेचर, अवेलेबल एनर्जी. यस सर, तो अगर मान लीजिए हमारे पास 1000 किलो जूल है और वो हमारे पास 1000 केल्विन पर है, तो उसमें अवेलेबल एनर्जी ज्यादा होगी. अगर हम टेम्परेचर कम, मान लीजिए 1000 किलो जूल ही अगर हम 500 केल्विन पर लेते हैं, तो उसमें कम कम आएगी अपनी अवेलेबल एनर्जी, तो उसमें अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ जाएगी. उसमें मतलब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर टेम्परेचर अगर जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो टेम्परेचर डिफरेंस व्हाट डू यू बढ़ा नीड दिया टू जाए. से, व्हाट डू यू नीड टू से सर, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज नथिंग बट लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी और इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी. यस सर. अनअवेलेबल एनर्जी का इंक्रीज, अवेलेबल एनर्जी का लॉस, वो क्या है आपका? एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन. एक्सर्जी इज इट डिस्ट्रक्शन. क्लियर? तो उसको मिक्स यस मत करो, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इररिवर्सिबिलिटी. एक्सर्जी यस सर. डिस्ट्रक्शन को ही क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबिलिटी. ठीक है, चलिए. तो आपसे मैं एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ गौरव. आप मेरे को बताओ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सो सेकंड लॉ इज द क्वालिटेटिव लॉ. इट टेल्स अस अबाउट द फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा. और ये डायरेक्शन को भी बताता है. जैसे ये बताएगा कि कोई जैसे हमारे पास एक कप ऑफ टी है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो एनर्जी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए एनर्जी एनर्जी जाएगी हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, ये हम इंट्यूशनली जानते हैं. लेकिन फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि वो हॉट से कोल्ड की तरफ ही जाएगी, वो बस ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी. लेकिन सेकंड लॉ बताता है कि वो हॉट से कोल्ड की तरफ ही जाएगी. और इसमें से दो स्टेटमेंट्स हैं इसकी, कि क्लॉजियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन इन एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क वाइल एक्सचेंजिंग एनर्जी विद अ सिंगल रिजर्वायर. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज क्लॉजियस स्टेटमेंट एंड इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच वर्क्स इन अ साइकिल एंड एक्सचेंज एंड ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल. अच्छा एक बात बताओ गुरु, सपोज इफ आई विल टेक ए कप ऑफ टी, ठीक है, एट सम टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, यस सर. द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टी वी कैन कंसिडर ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर, मीन्स सीपी वैल्यू, सीवी वैल्यू, ऑल यस अदर सर. थिंग्स वी कैन ओके टेक सर. क्लोज टू वाटर. तो यस सर. आपने उसको रूम में रखा, ओके, यस सर. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इन दिस केस? कितना इरिवर्सिबिलिटी है उस प्रोसेस में? यस सर. सो फर्स्ट एट्रोवर्सी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरी टी कप टी की और एनवायरनमेंट की भी, सराउंडिंग की भी. और फिर उसको सर हम जो टोटल एंट्रोपी को हम सर टी नो एनवायरनमेंट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी. इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी. यस सर. अच्छा, इसमें अवेलेबल एनर्जी कितना बचेगा अपने पास? When we are having that cup of tea and we are cooling it by सर placing it एक into बार the अगर वो atmosphere. सर जैसे हमने रख देंगे उसे तो अगर वो इक्विलिब्रियम में आ गई सर एटमॉस्फेयर के साथ तो जीरो हो जाएगी फिर अवेलेबल अच्छा, क्या इसमें फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल रहेगा? है. फर्स्ट लॉ सर हमेशा एप्लीकेबल हमेशा एप्लीकेबल रहेगा. है. हाँ सर. बस वो डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, लेकिन वो उसने सर ये तो सही बताया कि जो टोटल एनर्जी जो जो कम हुई है जो कप की वो कहाँ गई, वो कहाँ गई है वो इसने ये नहीं बताई, लेकिन उसने ये बताया कि कंजर्व रहेगी, वो एटमोसफियर में चलेगी, वो हमें सेकंड लॉ से पता चलेगा. ओके गौरव, लेट मी गिव यू द फीडबैक. जनरली हम इसको 8-10 मिनट का रखते हैं, है ना, स्नैप, एंड 3-4 मिनट्स फॉर द फीडबैक. सो अगेन, इफ यू फील यू कैन गो फॉर अनदर सब्जेक्ट स्नैप. तो आपका गौरव नॉलेज अच्छा है, यू आर हैविंग गुड सब्जेक्ट नॉलेज. तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, और थोड़ा सा और कन्विंसिंग बनाना है अपने आंसर्स को,
अननेसेसरली उसको लंबा नहीं खींचना है आंसर को. लाइक आई आस्क्ड यू अबाउट सेकंड लॉ, सो बी वेरी स्पेसिफिक, की पॉइंट्स को हाईलाइट करना. देखो पीएसयूज में और रिसर्च में ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ डिफरेंस. ओके, तो मैंने आपसे कोई इतने ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू आस्क यू दोज डेप्थ क्वेश्चन. यस पीएसयू सर, में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं और बड़ा क्विक सेशन रहता है, 10-15 मिनट में तो पूरा इंटरव्यू निपटा देते हैं. ठीक है, यस सर, तो कम टाइम में आपको कन्विंस करना है. सर सेकंड लॉ टेल्स अस अबाउट द 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, पीएमएम2 इज नॉट पॉसिबल सर. एंड सर इन अ रियल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, ए रियल प्रोसेस अकर्स सर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. तो ये बताओ इन ए रियल प्रोसेस सर देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, इन ए रियल प्रोसेस सर देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, देयर आर सो मेनी वेज, आर यू गेटिंग पॉइंट. यस सर, एंड देन यू कैन हाईलाइट अबाउट केल्विन प्लैंक्स और क्लोजियस स्टेटमेंट. तो की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि वो कन्विंसिंग लगे. मैंने आपको पहले केल्विन प्लैंक्स या क्लोजियस स्टेटमेंट क्यों नहीं बताई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट विद दैट. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होती है, ये होती है, वो तो हर बच्चा बताएगा. आपको करंट बताना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. ये जो 5-10 पॉइंट लाइन मैंने बताई, ये आप तभी बता पाओगे अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको समझा है. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन दोज पर्टिकुलर थिंग्स. तो आपका नॉलेज ठीक है, आप टेकल कर लोगे, मेरे ख्याल से टेक्निकल आपको दिक्कत नहीं आएगी. इसमें मैं आपको एक चीज हिंट देता हूँ. देखो ये जो कप ऑफ टी का मैंने केस पूछा, हालांकि जो आपने प्रोसेस बताया उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आप एक बात सोचो. आपने खुद बताया कि सर एक्स जो जो फाइनली जो एक्सर्जी है, जो अवेलेबल एनर्जी है, वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एंटायर हीट इज गोइंग इनटू व्हाट, मेरा सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो अभी कप ऑफ टी के पास कितना एनर्जी है, क्यू. क्यू कैसे निकालोगे, एमसी डीटी. यस सर, तो वो सारा की सारा क्या है, तो सारा ही तो डिस्ट्रक्शन है. यस सर, गेटिंग पॉइंट. तो पूरा. इस हाँ तरह की चीजों का आपको सोचना है. एंट्रोपी पहले सराउंडिंग का निकालोगे, सिस्टम का निकालोगे, यस सर, ऐड करोगे, एंट्रोपी जनरेशन निकालोगे, सराउंडिंग टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे, देन आल्सो यू विल गेट द इरिवर्सिबिलिटी. एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन तब भी आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, कितना हीट था, एमसीडीटी. इनिशियल टेम्परेचर 80, फाइनल टेम्परेचर 30, 50 के आसपास आ जाएगा. मल्टीप्लाई करोगे सीपी से, 4 4 4 के आसपास मल्टीप्लाई करोगे मास से. मास मान लो 100 ग्राम है, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, क्यू. और एंड एंटायर क्यू इज द एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन. ये होता है स्मार्ट प्ले, तो थोड़ा सा उसको भी समझना है. आपने जो बताया वो भी ठीक था, बट इसको समझोगे तो थोड़ा और ज्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा. तो जाओ अभी फुल एनर्जी के साथ जाओ. अभी मेरे ख्याल से इंटरव्यू का डेट अभी नहीं आया है, तो यू आर यस हैविंग सर, सफिशियंट टाइम, तो रिवाइज करते रहो गुरु, लिसन टू द मैराथन एक बार वो क्लास. डिफरेंस वाला बता दीजिए, एक्सर्जी डिस्क्रिप्शन और अनअवेलेबल. हाँ चलो दोबारा बता देता हूँ. देखो देखो होता क्या है, एक प्रोसेस में एक हीट है हमारे पास. हीट के साथ क्या है, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी. लो ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या होता है कि सर जो हीट है वो थर्मल एनर्जी है. थर्मल एनर्जी मतलब वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पास एक रेंडम एनर्जी है. कुछ पार्टिकल दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सम पार्टिकल दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बट अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, कोई गैस है किसी काइनेटिक एनर्जी से जा रही है, तो हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ऑल मॉलिक्यूल दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. अगर हम बात करूँ रोटेशन की, कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. शाफ्ट रोटेशन है या काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, जितने की जितने गैस मॉलिक्यूल आपने सभी के सभी क्या कर दिए, एक लेवल पे रेज कर दिए. ऐसा होता है क्या कि कुछ को रेज कर दिए, कुछ को नीचे रखा, ऐसा नहीं नहीं होता. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोज आर द डायरेक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो उनके साथ क्या है, एंट्रोपी एसोसिएशन नहीं होता. बट जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी के साथ क्या होता है, एंट्रोपी एसोसिएशन होता है, रेंडमनेस होती है. तो उससे क्या होता है, आपका एंट्रोपी जनरेशन होता है, तो लॉसेज हो जाते हैं. तो पार्ट ऑफ हीट को हम कन्वर्ट कर पाते हैं वर्क में. द मैक्सिमम वर्क विच यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम हीट बाय ब्रिंगिंग द सिस्टम टू द डेड स्टेट, दैट इज नोन एज अवेलेबल एनर्जी. तो उसको आपने उसको ऐसे नहीं बताया, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था, तो मेरे समझ में नहीं आया आपने क्या हाईलाइट किया था उसको. आर यू गेटिंग पॉइंट. ना तो आपने डेड स्टेट को हाईलाइट किया, ठीक है, और ना ही सर, आपने मैंने बोला था मैक्सिमम वर्क को. इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेयर हाँ तो डेड ठीक स्टेट है, यू. डेड स्टेट ठीक है, वो आपने इक्विलिब्रियम बोल दिया था, बट आपने मैक्सिमम वर्क नहीं बोला शायद. मैक्सिमम वर्क हाँ हाईलाइट सर, किया था, मैक्सिमम वर्क नहीं बोला आपने. नहीं मैक्सिमम. हाँ तो मैक्सिमम वर्क बोलो ना. द मैक्सिमम वर्क विच यू कैन ऑब्टेन बाय ब्रिंगिंग द सिस्टम टू द डेड स्टेट. मैक्सिमम वर्क कब लोगे आप, रिवर्सिबल में. तो या तो रिवर्सिबल प्लस डेड स्टेट बोल दो सर. ये रिवर्सिबल इंजन व्हेन इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द हाई टेम्परेचर एंड द डेड स्टेट. तो मैक्सिमम वर्क बोलोगे तभी वो अवेलेबल एनर्जी होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर. यस सर, डेड स्टेट के इक्विलिब्रियम में तो लेके आ रहे हो, बट यू आर नॉट पुटिंग, यू आर नॉट एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट इन इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेके आ रहे हो, तो आपको डब्ल्यू मैक्स नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, तो पार्ट ऑफ इट इज अवेलेबल एनर्जी, पार्ट ऑफ इट इज अनअवेलेबल एनर्जी. ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी इन द प्रोसेस एक्चुअली वी लूज सम पार्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी. दैट लॉस इन अवेलेबल एनर्जी इज नोन एज इरिवर्सिबिलिटी. यस सर, और अवेलेबल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, एक्सर्जी.
अवेलेबल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज एक्सर्जी. तो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा? एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन. और उसी एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम? इरिवर्सिबिलिटी. तो इरिवर्सिबिलिटी, लॉस इन एक्सर्जी अवेलेबल एनर्जी, लॉस इन एक्सर्जी, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन एक ही बात है. या इसको बोलते हैं लॉस इन वर्क पोटेंशियल. कई बार ऐसा ही बोलते हैं लॉस इन वर्क पोटेंशियल. ठीक है, अवेलेबल एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क पोटेंशियल. कितना मैक्सिमम वर्क पोटेंशियल है, कितना वर्क वर्क हमने लूज कर दिया इन ए प्रोसेस, दैट इज नोन एज लॉस इन वर्क पोटेंशियल. देखो एक सिंपल सा केस देता हूँ, आप दिमाग लगाना. आप मेरे को इतना मेहनती लग रहे हो कि शायद आप ऐसा सोचोगे, क्रिएटिव रहोगे. एक फैन है, फैन से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में ले रहे हैं. ठीक है, तो अभी एक्सर्जी कितना है? इनपुट एक्सर्जी कितना है? इलेक्ट्रिक वर्क. आउटपुट आउटपुट एक्सर्जी क्या है? मैकेनिकल वर्क. बट क्या दोनों सेम है? नहीं है. दोनों का डिफरेंस क्या है? इरिवर्सिबिलिटी. और वो इरिवर्सिबिलिटी किसके इक्वल है? जो हीट बाहर जा रही है, क्योंकि जब हम वर्क दे रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट हो रही है, हीट इज गोइंग आउट. तो क्यू लॉस्ट डिवाइड बाय एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, वो क्या है? एंट्रोपी जनरेशन. एंट्रोपी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टीओ से, तो क्या आ जाएगा? रिवर्सिबिलिटी. एंड डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन से दैट द एक्सर्जी इन माइनस एक्सर्जी ऑफ, जितना हमने लूज कर दिया, लूज कर दिया, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी. तो इस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी कितना? जितना हीट लॉस हो रहा है. ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ गौरव आपको, है ना? यस सर. चलो ठीक है, मेहनत करते रहो बच्चे, और फिर कोई और टेक्निकल डाउट आता है तो यू कैन गेट बैक टू मी. ओके, गुड लक.